Hello guys, today you are watching your own YouTube channel Tech Issue. तो let's get started. और हाँ, ये हमारा पहला वीडियो है, तो अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज कर दीजिए और हमें माफ़ कर दीजिए. एक छोटा सा इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं. वीडियो का जो विषय है वो है स्मार्टफोन के बारे में. आप सभी जानते हैं आज के टाइम पे जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं और आने वाले टाइम में और भी एडवांस हो जाएंगे. तो ये जो स्मार्टफोन है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, तो बात करते हैं इस विषय पे. सबसे पहले आप ये जान ले, 1876 10th मार्च को मिस्टर एलेक्जेंडर ने सबसे पहले टेलीफोन इन्वेंट किया था. वो कोई स्मार्टफोन नहीं था. आपको पहले ही बता दूँ, जो टेलीफोन हम ज़्यादातर ऑफिसों में देखते हैं या फिर कुछ घर में अभी भी मिल जाएंगे, वैसा कुछ टेलीफोन उन्होंने इन्वेंट किया था. वो बाद की बात है कि उसका भी कुछ अपग्रेड वर्जन आया था, वो भी एडवांस हुआ था. ऐसे में उस विषय पे बात करने जाएंगे तो पूरी वीडियो भी कम पड़ जाएगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो जितना शॉर्ट में हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. तो ऐसे में जब वो टेलीफोन बन गया तब क्या करना था, उसके बाद टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस करना था. क्योंकि 1867 में जो स्मार्टफोन बनाया गया था, या कह लीजिए जो टेलीफोन बनाया गया था, वो तो इतना स्मार्ट नहीं था आज के मुकाबले. तो धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और सबसे पहले आया वो साल 1973 अप्रैल 3rd, जब मोटोरोला ने लॉन्च किया अपना कीपैड वाला फ़ोन. हाँ, वो सही, छोटा सा जो डिस्प्ले होता था, छोटी छोटी बटन्स होती थी, 1 2 3 करके जो क्लिक करते थे, क्लिक क्लिक आवाज़ आती थी, वैसा वाला फ़ोन लॉन्च किया. और उस फ़ोन से आप क्या कर सकते थे, मैसेजेस कर सकते थे और कॉल कर सकते थे. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते थे. अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, छोटी मोटी जो गेम्स कीपैड में आपने खेले होंगे वो गेम्स भी उस वक्त नहीं आया करता था, सिर्फ कॉल और मैसेजेस. और मैसेजेस जो कर सकते थे वो काफ़ी अपग्रेड वर्जन जो फ़ोन्स थे उसके बाद में आया उसमें कर सकते थे. पहले वाले में तो सिर्फ कॉल कर सकते थे. और आज के मुकाबले उस फ़ोन की प्राइसिंग भी काफ़ी हाई होती थी. मतलब समझ लीजिए, आज अगर आप 25-26 हज़ार का एक फ़ोन लेते हैं, उसी कीमत पे वो फ़ोन मिलता था. लेकिन उसमें वैसे कुछ भी नहीं रहता था, सिर्फ आप कॉल कर सकते थे और डिस्प्ले भी ब्लैक एंड वाइट होता था. तो ऐसे में टेक्नोलॉजी और भी इवॉल्व हुई. तो ऐसे में आ गया 1992, IBM एक कंपनी है जिसने लगा दिया टच स्क्रीन जो है उसको टच कैपेसिटिव बना लिया. तो ये IBM ने जब कर दिया, तब 1992 में ही क्यों टच स्क्रीन फ़ोन आना स्टार्ट नहीं हो गया था, क्योंकि उस वक्त का जो फ़ोन था वो बहुत मोटा था और फ़ोन के मुकाबले जो डिस्प्ले था वो काफ़ी छोटा भी था और उसमें कोई खास OS भी नहीं थी. मतलब आजकल आप जैसे देखते हैं एंड्रॉयड या फिर iOS, ऐसा कोई भी OS नहीं था. नॉर्मल उससे भी आप कॉल ही कर सकते थे. फिर आया वो दिन 2007 जुलाई की 9, जिस दिन में लॉन्च कर दिया गया आईफोन. आईफोन सबसे पहले आ गया अपने टच कैपेसिटी लेके. और उस फ़ोन से आप क्या क्या कर सकते थे, ब्राउजिंग कर सकते थे, SMS कर सकते थे और SMS के साथ साथ कॉल भी कर सकते थे. ऐसे में क्या हुआ, वो फ़ोन मार्केट में आया, लेकिन जबकि उसमें ब्लैकबेरी का बहुत ज़्यादा दबदबा था, इसके चलते वो फ़ोन मार्केट का मुकाबला नहीं कर सका, फेलियर हो गया. ऐसे में जब जॉर्ज स्टीव जो कि आईफोन के ओनर हैं, उनसे पूछा गया कि इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने बोला, अभी जो दुनिया है, जो मार्केट है, वो देख रहा है गेंद किधर है, लेकिन मैं ये फॉलो कर रहा हूँ कि गेंद किधर जाने वाला है. उनकी सोच पहले से बहुत एडवांस थी, इसी वजह है कि आईफोन आज दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन फ़ोनों में से माना जाता है. उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव बढ़ती गई, उसमें कैमरा इनबिल्ट होता गया. और फिर आपको एक बात और भी बताना ज़रूरी है, 2007 में आईफोन ज़रूर लॉन्च हुआ था विदाउट कैमरा के साथ, लेकिन 2001 में ही जापान ने अपने एक फ़ोन में कैमरा लगा दिया था. तो ऐसा कोई बात नहीं था कि आईफोन में कैमरा क्यों नहीं आया. इसका अगर सीधा सीधा बोला जाए तो उसका कारण यही होगा कि उस वक्त अगर आईफोन में कैमरा लगाया जाता तो बहुत ही गंदा क्वालिटी का होता. आप मान सकते हैं VGA कैमरे के बराबर वो एकदम फ़ोटोज़ देता, जो कि उसकी जो ब्रांडिंग है उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता. इसी वजह से शायद आईफोन जो पहले लॉन्च हुआ था, फर्स्ट आईफोन, उसमें कैमरा नहीं था. और आपके लिए बता दूँ, कैमरा लेके आने वाला आईफोन जो पहला है वो है आईफोन 4S. तो इसके बाद क्या हुआ,
इसके बाद शुरू हुआ ऐप स्टोर्स, जो कि सबसे पहली एप्पल ने अपनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दी। कितने सालों में ऐप स्टोर लॉन्च कर दी ये भी मैं आपको बताऊंगा। करीब करीब 2008 में एप्पल ने अपना ऐप स्टोर जो है उसको लॉन्च कर दिया। 6 मार्च 2012 आया गूगल अपना ऐप स्टोर लेके, यानी कि एंड्रॉयड के ऐप स्टोर लेके, जो था प्ले स्टोर। और धीरे धीरे ये इवॉल्व होती गई, बड़ी कंपनियां आती गई और फ़ोन बनाता गया। जैसे आज हम देखते हैं सैमसंग और भी बहुत सी ब्रांड है, ओप्पो भी, वो सब धीरे धीरे एंड्रॉयड में इन्वेस्ट करने लगे और गूगल धीरे धीरे बड़ा कंपनी बनता गया। तो ऐसे में आज हम एक नया ओएस के साथ हैं। ज़्यादातर लोग इसमें कोई ध्यान नहीं देते क्योंकि ये है काईओएस। काईओएस यानी जो जियो में डाला हुआ है वो ओएस। तो ऐसे और भी कुछ ओएस है जो बड़ा कुछ नहीं करते, छोटा मोटा है, पर देखने वाले बात ये होगा कि काईओएस आगे क्या चलेगा, जियो के ऐसा कुछ फ़ोन निकलेगा टच कैपेसिटी जिसमें काईओएस आएगा। तो ना 1876 से लेके आज 2018 तक टेलीकॉम की जो भी हिस्ट्री थी वो आपको लगभग पता हो गया होगा। तो ऐसा कुछ छूट गया हो अगर वीडियो में तो ज़रूर हमें कमेंट में बता दें और हमारी खामियों को कृपा करके नज़रअंदाज कर दें। यह हमारा पहला वीडियो था, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।